प्लीज 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 माननीय श्री चंद्रशेखर जी। सोना कहाँ पे किया? सोना प्लीज। नहीं नहीं, आपने मॉडरेशन मॉडरेशन सोना बेचने वाला वित्त मंत्री बन गया, बताइए जरूरत है। मैं भी इतना बेचने वाला। जो बहस चल रही है, कृपया शांति। बहस का प्रारंभ भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की। जो भाषण उन्होंने दिया, उनसे असहमत होते हुए भी मैं ये कहना चाहूंगा, उनके भाषण में देश के भविष्य के बारे में चिंता थी। उन्होंने हमारी चुनौतियों को समझने का प्रयास किया था। उन्होंने देश को एक दिशा में ले जाने के लिए हमें संकेत दिया था। ये बात दूसरी है कि उसके बारे में विभिन्न विचार हों, और मेरे विचार उनसे सहमत नहीं हैं। लेकिन गुरु आज भी हैं। लेकिन उसके बाद जो बहस हो रही है, मुझे ऐसा लगता है कि उनके निवेदन का कोई असर इस सदन पर नहीं पड़ा। दोनों तरफ से सर मत हिलाइए, आप भी उसी में हैं। केवल एक दूसरे की आलोचना, एक दूसरे पर कटाक्ष, पुराने गीत दोहराने की बातें, पुरानी कुरीतियों का, पुराने कुकृत्यों का बखान इस सदन में हुआ है। भविष्य की चिंता कम दिखाई पड़ती है। मैं नहीं जानता कोई भी राष्ट्र जो केवल अतीत पर रोता रहेगा, वो नया भविष्य कैसे बना सकेगा। मैं इस सदन के सामने बड़े विनम्र शब्दों में अध्यक्ष सभापति महोदय कहना चाहता हूं, आज सारा देश और सारी दुनिया इस सदन की ओर देख रही है और ये समझती है कि भारत इस कठिन समय में, एक संकट की घड़ी में कुछ निर्णायक कदम उठाएगा। मैं मानता हूं कि सदन में हमको किसी पार्टी के लिए बहुत स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। ये बात कोई दुनिया में निराली नहीं है। दुनिया के अनेक देशों में परिस्थिति पैदा हुई है, लेकिन उन लोगों ने देश को बचाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए अपने विरोधों को भुला करके मिल करके सहयोग के रास्ते पर काम करने का प्रयास किया, और उसमें उन्हें सफलता भी मिली। प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण का प्रारंभ यहीं से किया, लेकिन सभापति जी, बड़े विनम्र शब्दों से मैं कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी, अगर आपने अपनी सरकार का प्रारंभ उसी तरीके से किया होता तो शायद इतनी कटुता इस सदन में आज नहीं होती। जो कुछ हुआ पिछले 20 दिनों में, उससे देश के मानस में और कम से कम इस सदन के सदस्यों के मानस में कटुता ही बढ़ी, आपस में टकराव की भावना ही बढ़ी। क्या अब भी हम सोचेंगे कि इससे हमें कोई लाभ नहीं होने वाला है? ये बात सही है, जज्बातों को उभार करके वोट पाए जा सकते हैं, सरकार बनाई जा सकती है, लेकिन देश की समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता। जज्बातों का उभरने का जो पुराना काम हुआ, उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा। वो घाव अब भी हरे हैं, उन हरे घावों पर नमक डालने से देश में कोई अच्छी बात नहीं बनेगी। मैं तो हमारे वाणिज्य मंत्री जो हमारे मित्र हैं, उनकी सलाह पर ही चलना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि अभी सरकार के सामने कोई कदम उठाने का मौका नहीं मिला, सरकार अभी 7-8-10 दिन पहले बनी है, उस पर अगर चर्चा होती तो हम समझते कोई सार्थक चर्चा हो रही है। सभापति जी, आपकी आज्ञा से मैं प्रधानमंत्री जी का ध्यान उन बातों की ओर से खींचना चाहूंगा जो सरकार बनने के बाद हुई है। मैं उसमें अध्यक्ष के चुनाव की चर्चा नहीं करूंगा, कैसे सरकार बनी, कौन लोग सरकार में आए, किस तरह से एकता हुई, उस एकता के लिए कोई प्रसन्न एजेंडा है या नहीं, इससे मेरा कोई मतलब नहीं। मुझे इससे भी कोई मतलब नहीं कि भारतीय जनता पार्टी आगे क्या करेगी। भारतीय जनता पार्टी के बारे में मेरे विचार मैंने एक बार नहीं अनेक बार कहे हैं। हमारे इन मित्रों में से बहुतों को आशा रही होगी, हमें तो कोई आशा नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी अचानक ही बदल जाएगी। चाहे जो कुछ भी आप कहें, आप बदलने के लिए स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार का एक सदस्य है, और भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हमारा जितना भी विरोध हो, वो संगठित निष्ठावान संकल्प वाले नौजुवकों का एक संगठन है। मैं जब ये बात आज नहीं कह रहा हूं, आज से वर्षों पहले
हमारे बहुत मित्रों ने इसके लिए आलोचना की। जब उन्होंने कहा स्वदेशी का आंदोलन चलाएंगे तो हमने कहा मैं उनका साथ दूंगा। हमारे मित्र मुरली मनोहर जोशी जी आज जो स्वदेशी की परिभाषा कर रहे थे, मैं सोच रहा था कितना बदल जाता है इंसान सरकार में आने के पहले और सरकार में आने के बाद। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि बदलेगा तो नहीं भारतीय जनता पार्टी, बदलेगी नहीं और बदलनी भी नहीं चाहिए, आपसे आशा भी नहीं है। लेकिन जब सरकार चला रहे हैं, जब प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि हमको समझ क्या रास्ता बतनाना ढूंढना चाहिए, मिलकर के काम करना चाहिए, तो मैं कुछ सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा। समझौते क्या हुए, किसके कितने मंत्री होंगे, ये बातें अलग की हैं। मंत्री आते हैं चले जाते हैं, प्रधानमंत्री आएंगे चले जाएंगे, ये देश रहेगा। लेकिन कुछ बुनियादी सवालों पर मैं प्रधानमंत्री जी से जरूर चाहूंगा कि इस देश के बारे में आप हमें बताएं कि किस रास्ते पर इस देश को ले जाना चाहते हैं। क्या सहमति का रास्ता उस तरीके से बनेगा जो तरीका आपने अपनाया है आज तक पिछले 20 दिनों में? क्या आप समझते हैं कि विरोधी पार्टियां आपके बहुमत पा जाने से आपके पीछे लग जाएंगी? क्या आप समझते हैं कि विरोधी पार्टियां आपका विरोध करना छोड़ देंगी? मैंने पिछली बार एक बात कही थी, उससे आपके लोग बहुत नाराज हुए थे। तब मैंने कहा था आपको बहुमत नहीं मिलेगा, आप त्याग पत्र दे दीजिए। आज वो बात मैं नहीं कहता क्योंकि मैं नहीं जानता आपको बहुमत मिलेगा या नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री जी आप विदेश मंत्री रहे हैं, आपके निकट संपर्क में रह करके मुझे काम करने को मौका मिला है। मैं ऐसे आपसे जानना चाहता हूं, भारत के प्रधानमंत्री जो संयोग से विदेश मंत्री हैं, क्या आप चीन के बारे में अपनी नीतियां बदलने वाले हैं? क्या तिब्बत के ऊपर भारत का दृष्टिकोण बदला है? और यदि नहीं बदला है तो आपकी कैबिनेट का मंत्रिमंडल का एक सदस्य अगर इन सवालों पर जवाब एक बयान देता है तो आपकी उस पर क्या प्रतिक्रिया है? क्या देश को चलाने का रास्ता है? क्या देश इस रास्ते पर चलेगा? क्या कोई संसदीय जनतंत्र चलाने में कैबिनेट की मंत्रिमंडल की संयुक्त जिम्मेदारी होती है या नहीं है? सभापति जी मैं चाहूंगा, क्योंकि मैं बुनियादी सवालों को दो चार का कुछ मिनटों में कह करके समाप्त करना चाहूंगा। मैं जानता हूं एक सिद्धांत है, सेना का उपयोग नहीं होना चाहिए आंतरिक मामलों में, हम सब जानते हैं। लेकिन क्या मंत्रिमंडल के सदस्य को स्वतंत्रता है कि किसी की हालत में वो कहे कि किसी भी स्थिति में सेना आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी? अगर सेना में ही विद्रोह हो जाए, और मैं कल्पना नहीं कर रहा हूं 1984 में जब हुआ था, एक समय आपके मंत्रिमंडल के एक सदस्य ने बयान दिया है, अखबारों में मैंने पढ़ा है, मैं नहीं जानता, तो उस समय कौन जाएगा? कोई वॉलंटियर कोर जाएगा वहां पर? अगर पुलिस की कोई टुकड़ी विद्रोह कर दे, दिल्ली में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, बिहार में हुआ, ऐसे सवालों पर मंत्रिमंडल के सदस्य अगर बयान देते हैं तो क्या हमारे लिए ये मन में शंका नहीं पैदा करती? क्या हमारे मन में नहीं लगता कि ये सरकार किसी भी हालत में देश को चलाने के लिए न गंभीर कदम उठा सकती है, न इसमें कोई मानसिकता है सिवाय इसके कि ये सरकार किसी तरह से कुर्सियों पर बैठा रहना चाहती है? अगर भविष्य के बारे में चिंता होती तो इन बुनियादी सवालों पर जरूर आपका संकेत जाना चाहिए अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के बारे में। मैं नहीं जानता कोई दोषी है या नहीं भ्रष्टाचार का, मैं आप उन लोगों में से हूं जिसने बार बार इस सदन में और सदन के बाहर बात कही है कि जब तक कोई भ्रष्ट न्यायालय से साबित न हो जाए उसको भ्रष्ट कह करके उसकी मर्यादा को मत गिराओ। एक व्यक्ति के लिए नहीं कहा, मुझे इस बात को कहने में आज भी गौरव है, आडवाणी जी पर जब लगा था आरोप, मैंने कहा अखबारों के जरिए कि मैं नहीं विश्वास करता कि आडवाणी जी इस तरह का कोई काम करेंगे, उसके लिए मेरी आलोचना हुई। लालू प्रसाद यादव के लिए मैंने कहा, मैंने माधवराव सिंधिया के लिए कहा, मैंने सुखराम के लिए कहा, उस समय मेरी बड़ी आलोचना हुई। और अध्यक्ष सभापति जी, हमारे इन तरफ के बैठे हुए मित्रों ने हमारी बड़ी कटु आलोचना की, व्यंग के शब्द कहे, हम नहीं जानते कब किससे जनतंत्र में मदद लेनी पड़ जाए, किसी के चरित्र को गिरा देना आसान है, किसी के व्यक्तित्व को तोड़ देना आसान है। आडवाणी के व्यक्तित्व को तोड़ सकते हो, लालू को मिटा सकते हो, मुलायम सिंह को गिरा सकते हो, एक कल्पनाथ राय को
हटा सकते हो जनता की नजर से, लेकिन हम में और आप में सामर्थ्य नहीं है कि हम एक दूसरा आडवाणी या दूसरा लालू प्रसाद यादव या मुलायम सिंह या कल्पनाथ बना दें। इस बात को हमें याद रखना चाहिए। आज किस तरह से हम मुंह छिपा रहे हैं एक दूसरे से, उन नामों को लेकर के बार बार चर्चा होती है, तो मुझे लगता है क्या वही अतीत के कट स्मृतियां जगाते हुए हम भारत के नए भविष्य को बनाना चाहते हैं? इस बात पर फिर से गौर कीजिए। भ्रष्टाचार मिटना चाहिए, क्योंकि आपकी एक एजेंडा का एक अंग है, लेकिन भ्रष्टाचार केवल पैसे का लेन देन नहीं है। भ्रष्टाचार के साथ एक शब्द है हिंदी में जिसको सत्य निष्ठा कहा जाता है, जिसको मैं अंग्रेजी में इंटीग्रिटी कहा जाता है। अगर सत्य निष्ठा नहीं है, सरकार नहीं चलाई जा सकती। और सत्य निष्ठा का पहला प्रमाण है कि जो जिस पद पर है उस पद की जिम्मेदारी को निभाने के लिए, उत्तरदायित्व को निभाने के लिए आत्मनियंत्रण रखे और कम से कम अपनी बाणी के ऊपर संयम रखे। ये नहीं हुआ अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा। दूसरा, आपने स्वदेशी का जिक्र किया, मुरली मनोहर जी होते तो बहुत अच्छा हो। हमारे वित्त मंत्री जी हैं, हमारे मित्र हैं, इन्होंने कहा बुद्धिमान व्यक्ति हैं, बहुत सोच समझ के शब्दों का इस्तेमाल किया। लिबरलाइजेशन चलता रहेगा, उदारीकरण चलेगा, लेकिन स्वदेशी भी चलेगा। अभी मुरली मनोहर जब बोल रहे थे हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों के हाथ मिले बनेगा, ये हमारी एजेंडा में लिखा है, क्या स्वदेशी का प्रमाण नहीं है? क्या दुनिया में यही स्वदेशी की अवधारणा है? क्या यही गांधी जी की अवधारणा है? पता नहीं किसने कहा था, मैंने सुना कहीं कि शरद पवार को गांधी जी की स्वदेशी का ही याद नहीं। जिन सज्जन ने कहा था उनको मैं याद दिलाना चाहता हूं, गांधी जी ने 1930 में विदेशी कपड़ों की होली जलाई थी, गांधी जी ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की बात की थी। हमारे मित्र कह रहे थे अभी एक इस तरफ से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया बंद होने को है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या बाहर से आने वाली स्टील पर आप रोक लगाने के लिए तैयार हैं? स्टील अथॉरिटी के अफसरों का कोई दोष नहीं, वहां कोई कमी नहीं आई है। जिस तरह बाहरी दुनिया से आयात हो रहा है स्टील का, जिस तरह से केवल स्टील नहीं फर्टिलाइजर दूसरी चीजें हमारी कंपनियां बंद हो रही हैं, आप बेरोजगार मिटाने का वादा इस एजेंडा में करते हो और चाहते हो कि देश इस पर विश्वास करे कि आप बेरोजगार मिटा दोगे, क्या ये देश चलाने का रास्ता है? क्या ये सब काम हुए हैं सरकार बनने के बाद? और मैं आपकी सरकार से जानना चाहता हूं, खासतौर से प्रधानमंत्री जी आपसे, क्या इस तरह से झूठे वादों के ऊपर लोगों को भ्रम में डालकर बहुत आशा दिलाई जा चुकी, बहुत लोगों के दिलों में विश्वास दिलाया गया, बहुत बार विश्वास टूटे, एक बार फिर उस विश्वास को अगर आप तोड़ेंगे तो शायद जनतंत्र टूट जाएगा, और इसीलिए हम आपके इस विश्वास तोड़ने की कला का विरोध करते हैं। आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे मित्र बड़े ईश्वर्य हैं वाणिज्य मंत्री जी, उन्होंने कहा कि हमने केवल कहा है कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू होगा, हमने कितने बार अमेंड किया है। मैं समझता हूं हमसे ज्यादा उनको अंग्रेजी आती है, अमेंड करने में और रिव्यू करने में अंतर होता है। यहां पर बहुत से संविधान के ज्ञाता बैठे हुए हैं, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू करने की बात करते हैं अपनी एजेंडा में, क्या इस पर चर्चा आपने न्यायविदों से की है? क्या दूसरी पार्टियों की सहमत ली है? क्या इस पर कोई चर्चा है किस दिशा में आप संविधान को रिव्यू करने जा रहे हैं? याद रखिए, जब जब डेमोक्रेसी टूटी है, जब जब संसदीय जंतर टूटा है, वहां के नेताओं ने यह कहा है संविधान कमजोर है, इसको बदलने की जरूरत है। मैं संकेत जो देखता हूं ये खतरनाक संकेत है। मैं नहीं जानता आपके इरादे क्या हैं, लेकिन भाषा का इस्तेमाल करते हुए दुनिया के इतिहास को नजर में रखिए। अगर दुनिया के इतिहास में नजर नहीं रखेंगे तो याद रखिए यहाँ के कुछ सदस्य ही आपकी बातें नहीं सुन रहे हैं, इस एजेंडा को केवल हम ही नहीं पढ़ रहे हैं, सारी दुनिया के लोग इस एजेंडा को देख रहे हैं। आपने जो एजेंडा बनाई है वो एक भयंकर दिशा में संकेत करती है, और उस भयंकर दिशा में संकेत करने के लिए मैं नहीं जानता आपने जानबूझ करके ये किया है या अनजाने किया है। मुझे हैरानी होती है, यहाँ हमारे सूचना प्रसारण मंत्री जी बैठी हुई, कल उन्होंने हिंदुत्व की परिभाषा सुनाई सदन में,
मैं भी उनका भाषण कहीं बैठा सुन रहा था, क्योंकि उस समय मैं सदन में उपस्थित नहीं हो रहा था। और वही हिंदुत्व की परिभाषा श्री मुरली मनोहर जोशी जी ने आज बताने की कोशिश की। आप उच्चतम न्यायालय की बात बार बार हमारे सामने दोहराते हो हिंदुत्व की परिभाषा। मैंने सदन में प्रधानमंत्री की हैसियत से कहा है, मुझे इस बात का अभिमान है कि मैं हिंदू हूं, लेकिन मेरी दृष्टि में हिंदुत्व क्या है ये भी मैंने उसमें कहा था। मैं आपसे जानना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी, खास तौर से अभी उन्होंने सब सैयद अहमद की एक किताब पढ़ करके सुनाई, मैं इसका जिक्र नहीं करता, लेकिन इस तरह को किताबों को पढ़ करके किसको भ्रम में रखना चाहते हैं आप। 1949 में इसी देश में किताब छपी थी, वी इंडियन नेशनहुड डिफाइंड, उसमें लिखा है एक प्योरिटी ऑफ रेस का रास्ता हमको हिटलर ने बताया है, भारत के लिए वो रास्ता देखने और समझने योग्य है। उसमें लिखा है कि माइनॉरिटी को नागरिकों का अधिकार नहीं होगा। उसमें लिखा है कि ये हमारे देश में केवल एक अतिथि के रूप में है, जितने दिन बहुमत के लोग हैं चाहे रहे, नहीं तो उनको इस देश से बाहर जाना पड़ेगा। और मैं समझता हूं इसमें बैठे हुए सबसे सब प्रमुख बीजेपी के लोग और जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग हैं उस किताब को पढ़े हों। 1949 में लिखी गई उस किताब का क्या कभी आपने खंडन किया? क्या कभी आपने कहा कि उसमें हिंदुत्व की जो परिभाषा दी गई है उससे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या बीजेपी सहमत नहीं है? आसान है अटवानी जी, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं, ये कह देना कि आपकी सरकार आपकी पार्टी इस बात से सहमत नहीं है, क्या आप में ये शक्ति है कि आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से असहमत जाहिर कर सकते हैं? मैं नाम नहीं लेना चाहता। उस पुस्तक के जिसका उल्लेख किया आदरणीय श्री चंद्रशेखर जी ने, उसके लेखक ने ही उससे अपने को असहमत किया, श्री गुरुजी ने कहा कि मैं उससे सहमत नहीं। मैं चाहूंगा अगर ये बात है तो फिर आरएसएस को कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि उस कहे कि उस पुस्तक में जो विचार व्यक्त किए गए हैं उससे आरएसएस असहमत है और उससे बीजेपी का कोई संबंध नहीं है। अगर ये बात वो अगर हो जाए तो ये बात बहुत अच्छी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं दूसरी बात, आप राष्ट्र को नई दिशा देने वाले हैं, नई राजनीतिक संस्कृति है, क्या वो राजनीतिक संस्कृति है मुझे मालूम नहीं, लेकिन उसमें लिखा गया है कि एक नई राजनीतिक संस्कृति बनेगी, क्या वो संस्कृति वही होगी जिसका प्रदर्शन दो दिनों से सदन में हो रहा है, एक तरफ से नहीं दोनों तरफ से, और इस संस्कृति को बदलने का यही रास्ता है राजनीतिक संस्कृति का? मैं एक और सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा विदेश मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी, आपने दुनिया के बहुत सी संस्थाओं में भारत का नेतृत्व किया है, आपको बड़ा अनुभव है, मुझे याद नहीं शायद आपको ज्यादा याद हो ईदी अमीन के अलावा दुनिया में कोई दूसरा राष्ट्रनायक है जिसने बयान दे के कहा हो कि हम एटम बम बनाएंगे? आपकी मंत्रिमंडल का एक सदस्य अखबार के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है मैं एटम बम बनाऊंगा, और दूसरे ही दिन पाकिस्तान से मांग आती है कि इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगाया जाए। क्या आपने पड़ोसियों के साथ रिश्ते सुधारने का ये पहला कदम है जो आपकी सरकार उठा रही है? मैं आपसे जानना चाहता हूं इन सवालों का जवाब देश आपसे जानना चाहता है, इन सवालों का जवाब देश नहीं दुनिया जानना चाहती है, इन सवालों का जवाब देने बिना कहां जाएंगे हम? मैं नहीं चाहता कि विवादास्पद सवालों को उठाया जाए, लेकिन इस देश में हमने अंग्रेजी और हिंदी में सारे काम करने को तय किया था, हमने ये कहा था सब भाषाओं को समान आदर दिया जाएगा, आपने लिखा है कमीशन बनेगा, 19 भाषाओं को वही दर्जा दिया जाएगा जो अंग्रेजी और हिंदी को दिया जाएगा। इसी सदन में नीतीश जी बैठे हुए हैं, सैकड़ों बार तो इनके मुंह से मैंने सुना है हिंदी का अनुवाद कहाँ है, अब 19 भाषाओं का अनुवाद नीतीश जी आपको करना पड़ेगा। अगर आपकी एजेंडा लागू हो गई, क्या एजेंडा लागू करते समय आपने सोचा इसका दूरगामी परिणाम क्या होगा? कुछ लोगों को प्रसन्न करने के लिए क्या भारत के भविष्य के साथ सारे इस कार्य पद्धति के साथ ये खिलवाड़ किया जा सकता है? क्या इस तरह की बातें हमारी गैर जिम्मेदाराना हरकत की परिचायक नहीं है? इन सवालों पर हमें और आपको गौर करना पड़ेगा। मैं कहता हूं जज्बातों के साथ बहुत खेल चुके हम सब लोग, जात का सवाल हो, धर्म का सवाल हो, भाषा का सवाल हो,
क्षेत्रीय सवालों के ऊपर हम एक दूसरे को भड़का करके साथ लेकर के बहुत कुछ कर सके। चार राज्य आप बना रहे हैं, मैं समझता हूं आप अवगत हैं, यहां नेता विरोधी दल बैठे हुए हैं, केवल उनके राज्य में चार और राज्य बनाने, तीन और राज्य बनाने की मांग चल रही है। क्या होगा विदर्भ का, क्या होगा मराठवाड़ा का, क्या होगा सौराष्ट्र में, क्या होगा दूसरी जगहों का, तेलंगाना का? एक जगह नहीं, कोई राज्य ऐसा नहीं है। 16 या 18 उस दिन वोटों के हमारे साथ ही सवाल उठा रहे थे, क्या आप एक काम कर सकते हो प्रधानमंत्री जी? वो दिन आपको याद है जब पहली बार जनता पार्टी की सरकार बनी थी और उसमें जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में ये कहा गया था कि हम छोटे राज्य बनाएंगे। पहली पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में हमारे वरिष्ठ नेताओं ने ये कहा था छोटे राज्य बनाने का काम हाथ में ले लें। मैंने हाथ जोड़ करके निवेदन किया था, एक मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। गांधी जी का नेतृत्व था, राष्ट्रीय आंदोलन की सामर्थ्य थी, राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, सरदार पटेल गृह मंत्री थे। उस समय जब भाषावार, जो सिद्धांतों के आधार पर भाषावार राज बनाने की बात थी, हमने उसको स्वीकार किया था। कितना खून बहा था इस देश में, और उस समय का देश हिंदुस्तान ऐसा नहीं था जो आज है। 1977 में हमने अपने नेताओं से कहा था कुछ और काम कर लीजिए, तब इसके बाद छोटे छोटे राज्य बनाने का काम कीजिए। छोटे राज्य की कल्पना से हमारा कोई विरोध नहीं है श्रीमान, लेकिन क्या यही अवसर है? जब चारों तरफ तूफान खड़ा हो रहा है, छोटे छोटे मुद्दों पर आतंकवाद जैसी स्थिति पैदा हो रही है, तो क्या चार राज्य बनाओगे तो 12-14 जगहों से मांगे नहीं उठेंगे? क्या उसके बारे में कभी सोचा? क्या उन चार राज्यों का कुछ ज्यादा दबाव था, चाहे असेंबलियों का प्रस्ताव हो? ये काम मत कीजिए, ये खिलवाड़ अगर देश की राजनीति के साथ होगा तो देश के भविष्य के साथ एक बड़ा भारी विश्वासघात होगा। मैं इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं इन सवालों पर शेखर जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया आप क्या बताइए, अगर भौगोलिक परिस्थितियों से, विकास की दृष्टि से किसी छोटे राज्य को बनाना हो तो आपको ऐतराज क्यों है? विकास से, भौगोलिक परिस्थिति से आप विकास रोकना चाहते हैं क्या? आपने उन्होंने लीड किया है, आपने, अरे सुन लिया ना, सबके लिए समान न्याय करिए। सभापति जी खंडूरी साहब ने जो सवाल उठाया है, अगर सभा हम इस माहौल में नहीं बोल सकते, पहले आप लोग बोल लीजिए तब मैं बोलूंगा। मैंने खंडूरी साहब की बात सुनी, उनकी जो वेदना है उसको मैं समझता हूँ। हमारे देश में अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर विकास का काम नहीं हुआ और उस बात को मैं जानता हूँ, लेकिन खंडूरी साहब हमारे संविधान में उसके लिए प्रोविजन है। जितने अविकसित इलाके हैं वहां पर विकास परिषदें बना करके, उनके यहां विशेष योजनाएं चला करके, उनके यहां लोगों को अधिक पैसा दे करके विकास का काम किया जा सकता है। वो पहला कदम ही नहीं उठाया गया, अगर वो कदम उठाया गया होता तो आज उत्तराखंड या उत्तरांचल क्या है वनांचल की मार इतना जोर नहीं पकड़ती। ये बात आज से नहीं, 1967 से मैं अपने राजनेताओं से बार बार कहता रहा हूं, और मैं नहीं कह रहा हूं, 1950 में प्लानिंग कमीशन का उद्घाटन करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था ये आंचलिक विषमता हमारे लिए अभिशाप बन जाएगी अगर हम आंचलिक विषमता को नहीं मिटा सके, अगर पिछड़े इलाकों के लिए विशेष योजनाएं नहीं बना सके तो देश टूट जाएगा। हमें दुख है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की इस राय के बाद भी, 50 वर्षों के जनतंत्र के प्रयोग के बाद भी हम उस काम को नहीं कर सके। मैं नहीं कहता कि आपका राज बने या न बने, बनना चाहिए छोटे राज, लेकिन आज जब चारों तरफ खून खराबी, आपसी विग्रह, घृणा नफरत का समाज है, हमारे सोम दादा बैठे हुए हैं, क्या होगा? आपके यहाँ भी वनांचल बनेगा, आपके यहाँ भी गोरखालैंड बनेगा, कोई राज्य बचा नहीं रहेगा। क्या प्रधानमंत्री जी और खासतौर से गृह मंत्री जी आप उस स्थिति को पैदा करना चाहते हैं? अगर अगर नहीं, अरे भाई ठीक है तो उनसे मांग लीजिए ना। इसलिए सभापति जी मैं कहता हूँ ये बुनियादी सवाल हैं,
मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, इन बुनियादी सवालों पर जो देश के भविष्य से जुटे हुए हैं, जो किसी के मान सम्मान से नहीं जुटे हुए हैं, किसी पार्टी की मायता या टूटने से नहीं जुटे हैं, जो कुछ देश में हो रहा है पार्टियों को तोड़ने और जोड़ने का काम, उस पर मुझे नहीं कहना है। उसमें बहुत से पारंगत लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वो अपने विचार व्यक्त करेंगे। प्रधानमंत्री जी, आप जानते हैं मैंने आज से नहीं 1967 में कहा था गुरुदेव आपको, उस बात को दोहराता रहा, गुरुदेव आप रास्ते से भटक रहे हो और आपका भटकाव जो होगा वो देश के लिए बड़ा कीमती पड़ेगा, और इसीलिए मैं आपको चेतावनी देने के लिए आज खड़ा हुआ हूँ और देश की जनता को ये कहना चाहता हूँ कि ये एजेंडा जो है, ये एजेंडा केवल विश्वासघात का एक दूसरा दस्तावेज है और जिससे देश को बर्बादी होगी, इसलिए मैं इस विश्वास मत के प्रस्ताव का विरोध करता हूँ।